एक दिन गदाधर उनके साथ है, गदाधर उनके बाल मित्र है, बालपन में एक ही उम्र के हैं, जो गदाधर श्रीवासादि गौर हो गदाधर ही गदाधर गदाधर पंडित उनके बाल मित्र हैं, बालपन से उनके साथ रहते हैं, अध्ययन करते हैं। अब जब महाप्रभु इस तरह से भाव प्रकटित कर रहे हैं तो गदाधर भी उनके साथ हर समय रहते हैं, उनको संभालते हैं, वो भी परम भक्त थे। एक दिन क्या मनाया, इधर तो सब रो रहे हैं, जो चारों ओर धर्म की कोई नाम नहीं, भक्ति धर्म का बड़ा अवनति है, कहीं तो हरि नाम संकीर्तन सुनने में आता नहीं है, हरि कथा सुनने में आता नहीं है, मनुष्य के अंदर धर्म चेतना का जैसे लुप्त हो गया है, चेतना शक्ति जैसे लुप्त हो गया है, घोर कलिजुग जैसे प्रवेश करके मनुष्य को अच्छन्न करके मायामय भोक्ति जगत में जैसे ढाकेल करके पहुंचा रहे हैं माया जगत में, ऐसे स्थिति आ गई है। जो भी दो चार भक्त महाप्रभु के पार्षद सब रो रहे हैं, हे प्रभु तुम कब आओगे, तो आप कब आओगे, आप तो हमारी सृष्टि, तुम रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अद्वित प्रभु जान गए हैं जो हमारे प्रभु आए हैं, आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब अपने को प्रकट करेंगे। सब भक्त लोग आते हैं, अद्वित आचार्य प्रभु उस समय तत्कालीन हमारे वैष्णव समाज का आचार्य थे, बड़े विद्वान थे, आचार्य भी थे, सब जाते हैं उनके पास, जाकर के सत्संग करते, उनके श्रीमुख गिरन हरि कथा मृत सुन करके सबके संतप्त हृदय को शांत करते थे। हरि कथा मृत तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ीतम कलम साप हम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूरी गणंत जे भूरी दा जना। वो सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान क्या है, ये हरि कथा मृत दान, वस्त्र दान, अन्न दान, और जितना दान है भौतिक दान, गरीब दुखी को दान, ये सब दान है, लेकिन ये दान का उतना महत्व है नहीं। क्यों महत्व है नहीं, ये दान से क्या, हम एक दिन खिला दिया, कल तो तुम्हारा भूख तो लग ही जाएगा, फिर क्या हुआ उसके, एक दिन नहीं तो तुमने खाने के लिए दे दिया, या किसी को फटा पुराना कपड़ा तुमने कपड़ा दे दिया वो भी पुराना हो जाएगा, फिर मान लो एक दुर्जन को तुमने दान दे दिया और दुर्जन तुम तो जानते नहीं हो दुर्जन है कि सज्जन है, तुमने दान दे दिया, वो जाकर के वो पैसा से शराब पी लिया, वो पाप का भागी तुमको होना पड़ेगा, तुम्हारे पैसे से शराब पी लिया ना, इसीलिए दान बड़े हिसाब से देना चाहिए, सब स्थान काल पात्र दातव्यमिति जद्दानम दियत अनुपकारिणे देश काले च पात्र तद्दानम सत्यकम श्रीतम। दान हर जगह होता नहीं है, देश काल पात्र विचार करके दान, तो ये हरि कथा से जो दान है इस, ये सबसे बड़ी दान है, क्यों ये दान से क्या होता है, ये दान से जो हमारे अनादिकाल के जो हृदय रूप अंधकार, जिस अंधकार में हम अनादिकाल से अपना स्वरूप विस्मृत होकर के भगवत चरण भूल करके भगवत प्रेम सान्निध्य जहां से हम आए हैं वो प्रेम सान्निध्य भूल करके हम माया जगत में भौतिक जगत में इंद्रिय भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के पशुवत घूम रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध पाशव प्रवृत्ति आहार निद्रा संभोग आदि इसी में लिप्त होकर इसी में आनंद जान करके इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये हरि कथा मृत दान, इसमें क्या होता है, उसका चेतना शक्ति जागृति होती है, वो जान जाते हैं अरे हम तो भ्रमित हो रहे हैं, हम तो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, हम तो गलत राह पर आ गए हैं, हाय हाय हमारे मानव जीवन का सवाल है, हमको तो जाना पड़ेगा। तो ये चेतना कौन देते हैं, ना हरि कथा मृत कौन, ना महत मुखलिस्थित हरि कथा मृत तब कथा मृत तप्त जीवनम, तप्त जीवन को शांति प्रदान करने वाले हरि कथा मृत दान। कथा ऐसी चीज है, कथा ऐसी चीज है, कथा में बहुत कुछ, बहुत शक्ति है, जो भजन के द्वारा भजन करके आप उतना जल्दी अब भगवत मार्ग में आप आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भजन करते करते वो मानसिकता मन की स्थिति एक ही जगह, जैसे हम गाड़ी रुक गई है, कोई प्रगति समझ में आता नहीं है, जैसे घर में रहते हैं खा रहे हैं पी रहे हैं बाल बच्चा लेकर के हम दिन व्यतीत करते हैं, लेकिन कोई प्रगति हमको देखने में आता नहीं है, कोई अनुभव नहीं, वही खाना पीना, वही शंखा पूर्वक नाम गान, वही पूजा पाठ, मन हमारा वही विषय कानन में रमन कर रहा है,
विषय करण, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हाय 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 हाय, है ना, विषय करण में रमण करता है। तो ये जो हरि कथा अमृत है, ये ऐसा नहीं, ऐसे महत मुखद किरण जो हरि कथा अमृत है, वो श्रवण मात्र चेतन सत्ता को जगा देते हैं, उत्साह उद्दीपन बढ़ा देते हैं, मन को एक विवशता ला करके मन को भगवत चरण में ऐसे लगा देते हैं साधक, और उत्साहित होकर के और ज्यादा भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे हमको बहुत कुछ मिल गया हरि कथा श्रवण करके, ऐसे महसूस होता है जो हमको बहुत कुछ मिल गया, हमको चलना है। अब जैसे मान लो हमको हमको खुदार्थ है, लेकिन भूखे प्यासे को जैसे अच्छा सामग्री प्रदान करने से खुशी हो जाते हैं, ऐसे जैसे आत्मा को एक तृप्ति मिल गई है, ऐसे हरि कथा। लेकिन सबके मुख से हरि कथा सुनने से काम नहीं होगा, जो अनुभवी और जो आचरणशील और जो निष्प्रिय, बहुत है जो कुछ प्राप्ति की आशा से, कोई मान प्रतिष्ठा आशा से, कोई धन दौलत आशा से, कोई इत्यादि आशा लेकर के जो हरि कथा परिवेशन करते हैं, तो उसमें उस दम नहीं है, वो शब्द में दम नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हरि कथा सर्वोत्तम, पहली हरि कथा श्रवण पहले। जैसे बाबा भजन विहीन है, चित्त वृत्ति मलिन है, ऐसे साधक को हरि कथा प्रेमामृत तो दान करने में समर्थ है? मलिन चित्त वृत्ति है, भजन विहीन है, ऐसे साधक को हरि कथा प्रेमामृत तो दान करने में समर्थ है? ना ना, वो तो दान से कुछ तो बोल ही दिया शास्त्र में, सराग सराग निराग वक्ता द्विविध परिकीर्ति तो सराग कामिल लोक तत्कथा न संस्पृशेत उपदेश करत्व न आचरण करते चो अपरिक्ष उपदिष्ट जत लोक न आशय भवित। सराग निराग वक्ता, सराग वक्ता माने कामी लोलू, ये चाहिए वो चाहिए, मान पूजा प्रतिष्ठा पैसा कुड़ी धन दौलत ऐसी कुछ तय करके कथा कहती है, हमको ले जाएंगे वहाँ पता करने के लिए, आप कितना देंगे, हैं देखिए हमारी म्यूजिक पार्टी है उनके ही तो हमको 20,000 देना पड़ेगा, ये देखिए हैं हमारे माइक है हमारे सेट है उसके लिए भी हमके, ऐसे है ना, तो तत्कथा हृदय स्पृशेत उसके शब्द हृदय में प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए निराग भक्ता, निराग माने कुछ चाहिए नहीं, और भजन करते हैं भगवत चरण में जो समर्पित होकर के, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, ऐसे उद्देश्य लेकर के निष्प्रिय निर्लिप्त परोहितैषी आत्मकल्याण कामी ऐसे जो साधक है उनकी मुख निश्चित जो हरि कथा अमृत श्रवण करने से तब जाके कल्याण होता है। बाबा बोले नाम में शक्ति है, विकार को संस्कार को, नाम में तो शक्ति है, लेकिन क्या होता है उसके साथ साथ चित्त वृत्ति जब निर्मल होता है तो वो नाम में और अधिक स्फूर्ति प्राप्ति होती है और उल्लास होती है नाम में, है? और नाम में रुचि बढ़ जाती है। कैसे वो संभव? नहीं, ऐसे नाम के साथ साथ सत्संग करना, सत्संग में रहना, तब ये उल्लास वर्धनकारी, नाम में रुचि वर्धनकारी है बाबा, है ना। तो ऐसे ही हम तो इधर की भूमिका ले रहे हैं, अद्वैत आचार्य प्रभु तत्कालीन इस तरह से सबके भीतर इस तरह हरि कथा कथा में तो श्रवण करा के सबको चेतन दिलाते थे, सबके भीतर आनंद वर्धन करते थे, शोक संतप्त हृदय जानते हैं जो हरि कथा हरि भजन करना बहुत कठिन हो गया, चारों ओर बहिर्मुख था, कहीं हरि भजन है नहीं, लोग गाली गलौज करते हैं, घर में जब कीर्तन करते हैं जोर जोर से बहिर्मुख लोग आकर के चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये लोग खाने को मिलता नहीं है, चिल्लाता है बैठे बैठे, ये कोई भजन है? चिल्लाने से भजन थोड़ी होता है, ये सब और ये सिवास पंडित सिवासिया ये सबसे समाज को बिगाड़ रहा है, सबको यही देखे सब
लोग संग्रह करके ये ज्यादा बिगाड़ रहा है, इसका घर द्वार तोड़ करके गंगा में बहा दो, ये शिवाशिया सब नष्ट का कारण। ऐसे ऐसे भावना, ऐसे लुट की सब विचारधारा। तो जाके रोते अद्वित प्रभु के पास, अद्वित प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, आ गए हैं हमारे प्रभु, और थोड़ा दिन थोड़ा से इंतजार करो बस, और समय जानते हैं ना, थोड़ा दिन इंतजार करो, सब खुशी होकर के जाते हैं। इतना में निमाई पंडित का जब इस तरह से प्रेम भिखारी सब देख करके ऐसे जान गए हैं, जो ये निमाई पंडित कोई साधारण नहीं, शायद कोई शुभ मंगलमय संदेश लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। एक दिन अद्वैत आचार्य प्रभु बैठे हैं और गदाधर और महाप्रभु को लेकर के जब प्रेम दशा प्रेम प्रकट कर रहे हैं महाप्रभु गया से आकर के, गदाधर पंडित बोले चलो अद्वैत, तो बड़ा सबसे व्यग्र, तो हा कृष्ण हा कृष्ण, कहाँ कृष्ण कहाँ जाए, कहाँ मेरे संताप मेरे दूर मेरे दरिद्री मेरी अंतकरण की जो वेदना हम किसको समझाए। तो गदाधर सोचते हैं जो अद्वैत आचार्य प्रभु पर प्रेमी भक्त है उनके पास लेने से थोड़ा इनके हृदय शांत हो जाएगा, ऐसे सोचकर गदाधर कहते चलो हम लोग थोड़ा अद्वैत आचार्य प्रभु के घर जाएंगे। तो वहाँ अद्वैत आचार्य के घर ले गए महाप्रभु के, और महाप्रभु उस समय प्रेम का तो व्यक्त कर रहे हैं, प्रेम प्रकट कर रहे हैं, और अद्वैत आचार्य प्रभु तो साक्षात महाविष्णु अवतार उधर सदाशिव देख करके ही तो एकदम बिल्कुल और प्रकट हो गए, एकदम मूर्तिमंत प्रेम प्रकट हो गए महाप्रभु के भीतर, हुंकार गर्जन मुई सही बोल करके ऐसे उन्मत्त दशा उन्मत्त विकार, हा कृष्ण करके रुदन कर रहे हैं। रुदन करते 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 अद्वैत आचार्य प्रभु के पास जाकर के एकदम अचेत होकर गिर गए, प्रेम का जैसे पूर्ण प्रकट हो गए। अद्वैत आचार्य प्रभु अश्रुसिक्त नयन अश्रुधारा बह रही है, घर में गए हैं, जा करके पुष्प माला चंदन आदि लेकर के धूप दीप लेकर के और थोड़ा मिठाई आदि लेकर के आए हैं, जगह लेपन करके निमाई पंडित तो अचेत के पड़े हैं, वहां जा करके अद्वैताचार्य प्रभु पूजन कर रहे हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो कह करके महाप्रभु के चरण पूजन कर रहे हैं। और गदाधर जानते निमाई पंडित थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, प्रेम दिखने में आ रहा है ठीक है, लेकिन इस तरह से भगवान के मंत्र से पूजन करना, ये तो कहते प्रभु ऐसे ये बालक है आप ये क्या कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से आप जैसे महत्पुरुष आप जैसे प्रवीण पूजन कर रहे हैं निमाई पंडित का। गदाधर जानते नहीं हो ये कौन है, जानते नहीं हो आज हम सफल काम हो गए हैं, आप वो आ गए हैं आज हम धन्य हैं, आज हम कृतकृत्य हैं, आज हमारे जीवन धन्य, आज हमारे साधन धन्य, आज हमको मिल गया है बोल करके पूजन कर रहे हैं भगवान के मंत्र में, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो बोल करके महाप्रभु चरण में चरण तुलसी दे रहे हैं, पद्धर को दे रहे हैं, आसमनियम दे रहे हैं, पुष्प माला प्रदान कर रहे हैं, उस उधर से भक्ष स्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। अद्भुत देख करके तो एकदम गदाधर पंडित चकित हो गए, ये क्या लीला देख रहे हैं। शांत वातावरण, फिर महाप्रभु आपने अचेत हो गए थे, फिर थोड़ा सा बाह्य वृत्ति आ गई, महाप्रभु जागे हैं, जाग करके वंदना कर रहे हैं अद्वैत आचार्य को, आप कृपा कीजिए, आप दया कीजिए, हम आपके बालक हैं, आपकी कृपा से हमको प्रेम भक्ति मिल सकती है, आप कृपा करने से हमको प्रेम मिल सकता है, आप कृपा कीजिए हमको आदेश कीजिए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाने से हमको ठाकुर जी मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण बिना मेरी छाती फटे जा रहा है, आप कृपा कीजिए हमको, ऐसा कर दू
उन्मत्त दशा, ऐसे अश्रुधारा जैसे पिस्करी, जैसे पिस्करी जो होली में जो पिस्करी कहते हैं ना, ऐसी पिस्करी आंख से अश्रुधारा बह रही है। इस तरह से लीला करके महाप्रभु तो आ गए हैं इधर, अद्वैत आचार्य प्रभु जान गए हैं अब हमारे प्रभु के प्रकाश हो गया है, प्रकाश जब हो गया हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, हमको बुलाएंगे, भाई हम कष्ट करके लाए हैं गोलोक धाम से गंगा जल तुलसी दे करके हम उनको आह्वान करके ले आए हैं, भाई इतना जल्दी हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम भी जाएंगे चल बोल करके। अद्वैत आचार्य प्रभु चले गए शांतिपुर, हमको बुलाएंगे तब आएंगे। तो फिर जा करके महाप्रभु तो आ गए हैं इधर, आ करके कीर्तन मंडली लेकर के पूरा चारों ओर कीर्तन लेकर के खूब भ्रमण करते हैं, और तत्सहित ऐसे प्रेम लीला, ऐसे अश्रुकंप पुलक कृष्ण नाम करते करते, ऐसे अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण दशा, सब जो भी ग्रामवासी जो भी देखते हैं, पूरा नदियावासी जो भी आते हैं देखते हैं, वो विमुग्ध चित्त होकर के देखते रहते हैं। पहले तो ऐसे देव दुर्लभ तनु हैं जिनके श्रीमुख चंद्रिमा दर्शन करते ही अंतकरण के समस्त मलिनता हट जाती है, जैसे दिव्यक आनंदलोक के संदेश वहन करके उनके हृदय को उद्भाषित कर देते हैं, ऐसे सुंदर महाप्रभु के तनु घुंघराल के ऐसे सुंदर दिव्य तनु आकर्ण नेत्र महाप्रभु स्तर से कीर्तन लीला विलास कर रहे हैं। फिर एक दिन जाकर के अद्वैत आचार्य के घर में, अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित के घर में जाकर के प्रातः काल ए श्रीवासिया दर्जा खोल, श्रीवास पंडित उसका पूजा कर रहे थे, दर्जा खोल, दर्ज में लात मार रहे हैं, और श्रीवास पंडित दर्जा खोल के दिखते ही एक महाप्रकाश शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन अखंड आनंद सिंधु अनंत कोटि वैकुंठ नायक शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण हन विराजमान है उनके इष्ट देव। इतना दिन हमको पहचाना नहीं, नवद्वीप में हम आए हैं, इतना दिन भी हमको पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ पहचाना नहीं, आप पहचान ले मैं कौन हूँ, देख ले मैं कौन हूँ, तो देख रहे हैं कोई अपने इष्ट को देख रहे हैं, जाओ पूजा करो हमारे, जाओ पद्धर को लेकर के हमारे पूजा, हमको बैठने दो, तो बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं, सिंहासन जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान रहते हैं वहाँ आसन प्रदान किए हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठा करके फिर अद्वित श्रीवास पंडित पद्वार को आदि लेकर के साक्षात भगवान के अपने इष्ट को पूजा किए हैं, पुष्पमाला चंदन से दे करके उस धरा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते करते बड़ी प्रेममय एक गदगद चित्त होकर के भगवत प्रेम में विभावित होकर के भगवान की उपासना कर रहे हैं। जीवन के सबसे परम लाभ, सबसे परम मंगल, सबसे परम शुभ दिन क्या है, जिस दिन भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, वही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्व पूर्णतम मनुष्य जीवन का वो दिन है, जहाँ जा करके वो भगवत सान्निध्य प्राप्त करते हैं। लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच रहे तब तक जा करके हमारी अभाव ये दूर होने वाला है नहीं, हमारे दुख ये जाने वाला है नहीं, हमारे ये वृत्ति ये जाने वाला है नहीं। इसलिए आप श्रीवास पंडित बड़े प्रसन्न चित्त है, जाओ तुम्हारे दास दासी को बुलाओ, देखे हमारे स्वरूप, सब दास दासी को बुलाए, सब आके देखते हैं महाप्रभु की महाप्रकाश लीला देख रहे हैं, इस तरह से फिर निमाय पंडित स्वाभाविक अवस्था में आकर के फिर बोल रहे हैं, देखो हमने तो कोई चंचलता तो किया नहीं, हमने तो कोई चंचलता किया नहीं, अपने को छुपा रहे हैं, देखो पंडित हम कभी ऐसे चंचलता करें ना, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमारे रक्षक हो, हमको देखना कोई चंचलता ना करें, हमको सामान लेना, हम तो बालक हैं, ऐसे छुपा लेते हैं। इस तरह से फिर आप महाप्रभु एक दिन भैया बलराम मेरे भैया, कहाँ भैया तुम कहाँ हो
ऐसे करके सब महात्मा जी खूब रो रहे हैं, भैया तुम्हारे देखे बिना, तुमको देखे बिना हमको जीना बड़ा मुश्किल हो गया। तो कह रहे हैं प्रभु किसके लिए आप रो रहे हैं? बोले देखे हम काल एक स्वप्न देखे हैं जो हमारे बार बार एक ताल ध्वज रथ अवतीर्ण हो गया, उस रथ से एक दिव्य पुरुष आए हैं बड़े सुंदर दिखने में, नील वसन परिहित, कर्ण में कुंडल है, एक बड़े कुंडल है, घुंघराल केश है, समस्त अलंकार भूषित है, बड़े दिव्य दर्शन है, बड़े दिव्य पुरुष है, आके कह रहे हैं यहाँ निमाई पंडित का घर कौन सा है? आप लोग कह सकते हो यहाँ निमाई पंडित का घर कौन सा है? आप लोग कह सकते हो? ऐसे करके ढूंढ रहे हैं, माने यह नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु बलराम ना, बलराम। अब भैया नहीं आने से अब कैसी लीला की पूर्णता होगी? पूर्णता के लिए चाहिए भैया का आगमन। किस तरह से कर भाई, तुम लोग देखो कहीं से भी हो ढूंढ के लाओ, देखो ऐसे पुरुष कहाँ आए हैं नवद्वीप में। यह नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु एक चका ग्राम में अवतीर्ण हुए हैं साक्षात बलराम। उनका पिता का नाम था हराई पंडित, माता का नाम पद्मा देवी। माँ प्रभु से 12 साल की उम्र से बड़े हैं। बचपन में ही जब से थोड़ा सा ज्ञान हो गया तब से बस वही रामलीला कृष्ण लीला ए लीला ये खेल में वही वही लीला ही लीला अनुकरण करना। कभी कभी तो बन जाते हैं तो कभी तो राक्षस निधन करते हैं तो कभी तो कुछ करते हैं, ऐसे बच्चों को लेकर के ऐसे लीला प्रकटन करते हैं। माता पिता देखते हैं जो भाई हमारे छोटे बच्चा ये तो कभी रामलीला कृष्ण लीला देखा नहीं, लेकिन ये किस तरह से सब लीला, कहाँ से लखन का शक्तिशाली हो गया। अब जाओ हनुमान को बोला जाओ जल्दी ले आओ से अमृत बूटी, नहीं तो बचेगा कैसे, ये सब लीला। ऐसा लीला करते हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत लीला प्रकटन करते हैं हराई पंडित और माता पद्मा देवी उनके जननी जो है गर्भधारिणी जननी। ये दिखती ये कैसे लीला प्रकटन करते हैं, देख करके वो चकित हो जाते हैं, हर्षान्वित हो जाते हैं, आनंद मोहित हो जाते हैं। कैसे भी वो ना जाने कौन महत्पुरुष हमारे घर में आए हैं। एक दिन छोटा सा ही बालक कुबेर नाम है, कुबेर पितृ प्रदत्त नाम है कुबेर, ऐसे लीला में लीला विनोद में आनंद निमग्न है। एक दिन एक सन्यासी आए हैं, सन्यासी आकर के कुबेर हराई पंडित का घर में आतिथ्य स्वीकार किया है। हराई पंडित बड़े संत सेवी थे, जो भी बड़े बड़े भक्त हुए सब संत सेवी, संत सेवी। ऐसे एक अच्छा संतान के लिए भी एक अच्छा पिता माता के एक अच्छा संस्कार चाहिए, नहीं तो उस कुल में उस घर में अच्छा संतान आना संभव नहीं है। ऐसा नहीं, आजकल तो अच्छा आत्मा ऐसे है लेकिन वो स्थान नहीं मिल रहा, किस शरीर को आश्रय करके वो धरित्री में आएंगे। पहले ऐसा नहीं था, एक सुंदर पुत्र के लिए पुत्रिष्ठि यज्ञ करती थी, एक सुंदर पुत्र के लिए पुत्रिष्ठि यज्ञ। क्यों भाई, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रिष्ठि यज्ञ का क्या जरूरत है? मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा ही तो समस्त सृष्टि रचना होती है, तो फिर पुत्रिष्ठि यज्ञ का क्या जरूरत है? प्रश्न चिन्ह आता है ना, बोले ना वो पुत्र नहीं चाहते, ऐसे एक दिव्य पुरुष हमारे घर में आ जाए, है ना। तब जाके उस कुल में आए हैं। ये जो विजय कृष्ण गोस्वामी थे उनके पिता अपने पुत्र प्राप्ति के लालसा लेकर के शांतिपुर से 500 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुरी में गए हैं, दंडवती देकर के, दंडवती दंडवती दे करके पूरी गए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ विजय कृष्ण गोस्वामी का था कोई, भूल गए नाम, भूल गए, आनंद गोपाल गोस्वामी ऐसे कुछ नाम था। फिर जा करके वहां जगन्नाथपुरी में जा करके प्रणाम करे, दंड जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो जगन्नाथ प्रसन्न होकर कहते हैं तुम जिस संकल्प को लेकर आए हो हम प्रसन्न हैं, हम आ रहे हैं तुम्हारे घर में, तुम चिंता नहीं,
तब आए हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। आजकल माता पिता ऐसे ही है, ना भजन है, ध्यान है, ना धारणा है, ना कुछ संस्कार है, ना कुछ शुभ कामना है, ना शुभ संकल्प है, ना कोई कुछ अच्छा कुछ साधु ची तो उनके सद्गुण की कोई दिखने में आता है, ज्यादातर है कोई कोई है ना, तो उसमें ऐसा नहीं था। बड़े संत से भी संत प्रेमी है, हराई पंडित जाके आदर करके उनको ले गए हैं, महाराज आइए आप यहाँ रुकिए निवास कीजिए, बोलिए हमारे लायक कोई सेवा हो, तो बड़े संत वो भी अच्छी संत थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे, उनके साथ सत्संग करके बड़े अंतकरण को बहुत तृप्ति होती थी, बड़े आदर करके रखे हैं, रोज सत्संग सुनते हैं और संत की बड़ी सेवा करते हैं, सेवा में प्रसन्न हो गए हैं, फिर कहते महाराज हमारे लायक कोई सेवा बताइए, महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, हाँ बताएंगे सेवा बताएंगे, आप देंगे तो क्यों नहीं देंगे, हमारे देने का अगर समर्थ है तो देंगे, सामर्थ नहीं है तो आपको कैसे देंगे बताइए, जो हमारे देने का सामर्थ्य है ही नहीं ना, आपका सामर्थ्य है पर सामर्थ्य है तो हम देंगे, तो ठीक है हम जाते समय कहेंगे ठीक है क्या चाहिए, धन जान कुछ भी हो ये तो चाहेंगे, विषय चाहेंगे और क्या चाहेंगे, पैसा कौड़ी चाहेंगे, कुछ और कुछ सेवा चाहेंगे, तो कुछ दिन रह करके आप सन्यासी चलेंगे तीर्थ पर्यटन के लिए, कहते हैं आपके आपकी सेवा में हम बहुत प्रसन्न हैं, आप मैं जाना चाहता हूँ, तो हम जो आपसे मांगे थे आप हमके प्रतिज्ञाबद्ध है हमारे पास, आप दान देंगे वो वस्तु हमको दीजिए, बोलिए मतलब बोलो पहले दोगे, अरे क्यों नहीं देंगे, हमारे सामर्थ्य है तो देंगे, सामर्थ्य है तब देंगे, आपके जो पुत्र है ना कुबेर, कुबेर का हमको दीजिए, एक ही मात्र पुत्र है, ये क्या मांग लिया, हमारे आत्मा को ही मांग लिया, अरे मांग तो आत्मा को मांग लिया, एकमात्र पुत्र और ऐसे पुत्र दिव्य, ऐसे गुणशाली, ऐसे सर्व गुण से अलंकृत, ऐसे अद्भुत दिव्य दर्शन, ऐसे पुत्र हमारे जीवन धन प्राण, जिनको देख करके मैं अपने संतप्त हृदय को शांत करता हूँ, सुख दुख हर स्थिति में ऐसे पुत्र के मुख दर्शन करके हम संताप को शांत करते हैं, और हमारे प्राण को मांग लिया, कहते हैं अब कुछ कह नहीं सकते, देखिए पंडित जी अश्रु मत बहाइए, अश्रु बहाने से हम लेंगे नहीं, आप दान दे रहे दुखी होकर दान देंगे तो ऐसा दान हम लेंगे नहीं, बोलो रोने भी नहीं देंगे, बताओ रोने भी नहीं देंगे, बोलते रोने से हम लेंगे नहीं, आप दुखी होकर दान देंगे तो वो वस्तु हम लेंगे नहीं, आपको खुशी होकर देना पड़ेगा, हमारे प्राण को मांग रहे खुशियों के प्राण को दे दो, कैसे परीक्षा कैसे, हम दान देंगे हमारे प्राण को दान दे रहे हैं और वो भी खुशियों के देना पड़ेगा, उस रुबाने से होगा नहीं, ठीक है बड़े कष्ट करके अपने चित्त वृत्ति को संयमित करके भगवत चरण में मन को समर्पित करके, हे प्रभु हे प्रभु हमको शक्ति दो, हमको धैर्य दो, हमको सहनशीलता दो, हम तुम्हारे चरण में समर्पित हैं प्रभु, हमको धैर्य दो, हम शब्द इनको प्रदान किए हैं हम देंगे, हमारे संत दुखी होकर ना जाए, हम दान अवश्य देंगे, ऐसा कह करके पुत्र भी ऐसा है, पुत्र भी एक आए दिन उनके सान्निध्य में रह करके इतना रम गए, वो तो बार बार कहते हमको ले चलो प्रभु, हमको ले चलिए यहाँ से, हम आपके साथ चलेंगे, पुत्र भी ऐसे तैयार हो गया पहले से, एक आई दिन में वो संतों ने पुत्र को ऐसा पटा लिया, पटा करके ऐसे रंग डाल दिया उसमें, अब पुत्र पहले वो तैयार हो गया हम चलेंगे, ऐसे भी दिखने आता है ब्रज में, संतों को इतना प्रेम करते बच्चा
तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। बहुत ऐसे हैं संस्कारी, ऐसे होते हैं। तो कुबेर, हाँ बात माँ, मैं चलो माँ, तो बोलो माँ, तुम लोग दुखी नहीं होना, हाँ फिर आ जाएंगे, फिर अभी मैं जा रहा हूँ गुरुदेव के साथ, आदेश करो। बड़े कष्ट से अपने वेदना को हृदय में धारण करके पुत्र को दे रहे हैं, और सन्यासी भी आशीर्वाद करके पुत्र को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। एक प्राण को जीने के आधार है, आनंद के एकमात्र स्रोत है, एकमात्र शांति की एकमात्र आधार है, और उसको लेके जा रहे हैं, पिता माता देख रहे हैं, ऐसे दान है कोई दे सकता है अभी के युग में? कोई दे सकता है? ऐसे खंडन में भगवान नहीं आएंगे तो आएंगे कैसे? भगवान थोड़ी जहां तहां थोड़ी जन्म लेते हैं, कोई महापुरुष। रामकृष्ण परमहंस देव का पिताजी बड़े धर्म प्राण थे, उस समय कहीं दूर रिश्तेदारी में जाने के लिए कोई तो वाहन नहीं था। अभी जैसे कार मोटर आदि नाना प्रकार वाहन है, जाने का साधन है, पहले आज से 200 साल पहले ऐसा साधन था नहीं। पैदल ही ज्यादातर चलते थे, 20-50 किलोमीटर तो पैदल चलते थे, 20-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक। और जो पैसे वाले थे वो तो टांगा घोड़े का गाड़ी उस पे चलते थे, और उससे जो गरीब थे वो बुग्गी बुग्गी करके बुग्गी जोड़ के 2-3 दिन के रास्ते में चलते थे, आस्ते आस्ते ऐसे जा रहे हैं कोई रिश्तेदारी में 20-50 किलोमीटर दूर। सुबह से चलना पड़ेगा, रात को जाके पहुंचेंगे, चलते चलते शाम के वक्त हो गया तो देखते हैं एक तो जंगल में इतना सुंदर फूल खिला हुआ है, एकदम पेड़ एकदम खिल गया फूल, और वो जहां रहते हैं वहां पूजा के लिए फूल मिलता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस देव के पिता, अरे भाई इतना सुंदर फूल, और हमारे वहां फूल नहीं है पूजा करने के लिए, अरे हम ये फूल हमको मिल जाए तो हम माला भी गाथेंगे और ठाकुर जी की माला पहनाएंगे, पूजा करेंगे, और 2-3 दिन का फूल कलेक्शन हो जाएगा, और 2-3 दिन का फूल माला भी हो जाएगा, अच्छा है तो चलो आज रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, चलो इसको फूल लेके चलो उल्टा चले जाए ठाकुर जी का पूजा करेंगे। लो आप चिंता कर सकते हो, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल करके आए, फिर वहां से कपड़े में फूल उठाए उठा करके फिर लौट के आ रहे हैं पूजा करने के लिए, ठाकुर जी का माला पहनाएंगे, वहां तो फूल मिलता नहीं है, ठाकुर जी का माला पहनेंगे पहनाएंगे, कहाँ फूल कहाँ, चलो आज बड़ी सुंदर करके माला ग्रथित करके ठाकुर बोलिए क्या। उनके घर में ना रामकृष्ण परमहंस देव आए हैं, ऐसे पिता माता होनी चाहिए, कुछ आचरणशील होने चाहिए, आचरण सीखना चाहिए, उन शिक्षा देना, ये शिक्षा का कोई मान्यता नहीं, कोई मान्यता नहीं। आजकल तो भोग वृत्ति है, पश्चात्य सभ्यता के होड़ चल रहा है, ऐसे गंदा कल्चर, नग्नता के कल्चर, वो कल्चर में हमारा बच्चा को ढाल करके हम खुद ही उसको उस स्रोत में बहा रहे हैं। ऐसा पहनाव कौन खरीद देता है बच्चा को, लड़की को? तुम ही तो खरीद देते हो अपना, वो थोड़ी बाजार से खरीद के लाती है, ना लाता है तुम्हारा बच्चा। ऐसे नग्न सभ्यता, नग्नता कौन प्रोत्साहन दे रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा? तुमको भोगना पड़ेगा। तुम ये नहीं समझ तुम्हारा बच्चा को तुम इस तरह से शिक्षा दे रहे हो, नग्न सभ्यता की ओर धकेल रहे हो, सब कोई कहेंगे बड़ा शिक्षित है बड़ा लर्निड है, लेकिन इसका प्रतिक्रिया इसको तुमको भोगना पड़ेगा। तुम्हारे जो बेटा है ना, तुमको भी ऐसे ही बहू आ जाएगी घर, तुम्हारे घर में चिंता नहीं करना, तुम तैयार रहना, जैसे शिक्षा दे रहे हो अपने बेटी को ऐसे ही एक दिन बहू आएगी तुम्हारे घर। शिक्षा दो, शिक्षा में कमी थोड़ी है, खूब शिक्षा दो ना, लेकिन शिक्षा मैंने थोड़ी ऐसी नग्नता ऐसे अभद्रता, सुंदरता क्या नग्नता में सुंदरता की ज्यादा बेसी प्रकाश होता है सुंदरता? तो बात ऐसा नहीं है, ऐसे पिता माता को भी इस तरह से अपनी चिंता करना चाहिए, अपने बच्चा को एक सुंदर शिक्षा देने के लिए कोशिश करना चाहिए,
बच्चा को भी इस तरह से शुभ संस्कार सुंदर संस्कार दे करके। देखिए आप एक गुटली आम का गुटली आप घर में आया है, कुछ फल खाया है, अच्छा गुटली आपने जा करके मिट्टी में गाड़ दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ किया बहुत कुछ। वो गुटली एक दिन पेड़ बन के 10 साल पीछे पूरा फल फूल से भर जाएगा, एकदम पूरा अच्छा फल देगा। वो फल हजारों लोग खाएंगे, हजारों पक्षी खाएंगे, उस पेड़ के नीचे बहुत लोग विश्राम करेंगे। क्या नहीं, बहुत कुछ किया, देखने में लगता है गुठली हमने गाड़ दिया। ऐसे ही एक छोटा बच्चा को आपने इस तरह से शुभ संस्कार दे दिया, आपने सोचा हमने तो कुछ किया नहीं, बहुत किया आपने, बहुत कुछ। वो बच्चा जगत का प्रभु तो मंगल साधन करने में समर्थ हो सकता है, आप जानते हैं। अब क्या संस्कार, क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चे को, भौतिक शिक्षा और इस तरह नग्न सभ्यता की ओर अपने बेटा बेटी को धकेल रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। पहले जो हमको ये शिक्षा देते हैं हमारे जो आचार्यों ने जिस तरह से लीला किए हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इस तरह से बालक को लेकर कुबर को लेकर के वह महात्मा चले गए हैं, जा करके उसको अच्छा उसको अध्ययन कर रहे हैं। और कहाँ का उसका तो इतिहास है नहीं, क्यों उस समय इतिहास हमारे बहुत दुर्बल था, किसी ने इतिहास लिखे नहीं है, लिखे नहीं है, लिखने का कोई आग्रह नहीं किया है, इसलिए हमारे प्राचीन इतिहास बहुत दुर्बल है, है ना। तो उसके बाद वो तो बहुत तीर्थ भ्रमण करते करते जाकर के गुरुकरण किया है, कहते हैं लक्ष्मीपति उनके गुरु है नित्यानंद, नाम हुआ नित्यानंद प्रभु, कुबेर से हो गया नित्यानंद प्रभु, लेकिन साक्षात बलराम। भीड़ घूमते घूमते तीर्थ पर्यटन करते करते आप गुरुदेव तो ध्यान तो हो गया, नित्यलोक में पहुंच गए गुरुदेव, तो अकेला तीर्थ पर्यटन करते करते वृंदावन आए हैं। वृंदावन आने के बाद उनके भीतर वही दिव्य भाव, वो दापर की वो भाव आ गया, आनंद में वन वनांतर में निमग्न, आनंद में निमग्न होकर वो लीला दर्शन करते हैं, लीला चिंतन करते हैं अपना भाव। और सोच रहे भैया मेरे भैया कान्हैया तुम कहाँ हो, मेरे भैया भैया मेरे कान्हैया भैया तुम कहाँ हो भैया, ऐसे करके रोते हैं और वन वनांतर में अनुसंधान करते हैं, हमारे भैया कान्हैया कहाँ गया है, हमारे भैया कान्हैया कहाँ गया है। फिर ध्यान करते करते जान गए हैं, ओ हमारे भैया कान्हैया तो आपको नहीं चुका गया है, अब तो वो तो निमाय पंडित रूप में नवद्वीप में विराजमान है, वो तो हमको पुकार रहे, अब इंतजार कर रहे थे जब निमाय हमारे भैया कन्हैया कब अपने को प्रकट करेंगे, तभी हम जाएंगे, उसके पहले हम जाएंगे नहीं। बस वो इंतजार में बैठे हैं नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम, जब अपने को प्रकट करेंगे हमारे भैया कन्हैया, उस दिन हम नवद्वीप जा करके हम उनके साथ मिलेंगे। ऐसे आशा लेकर के वृंदावन में वन वनांतर में ऐसे लीला रस आस्वादन कर रहे हैं। तो हम लोग काल चलेंगे नित्यानंद प्रभु के साथ, देखते हैं भैया कन्हैया के साथ कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो लीला हम लोग तो आस्वादन करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु के साथ हम लोग चलेंगे काल, है ना, कैसे लीला करते हैं, कन्हैया से कैसे मिलते हैं, आप लोग भी चलिएगा। हाँ काल हम लोग चलेंगे नित्यानंद प्रभु के साथ।